उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लव जिहाद और धर्मांतरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करने को राजी नहीं थी। सोनभद्र में कथित लव जिहाद का एक मामला सामने आया है जिसमें लड़की की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में यह पाया है कि सोनी नाम की एक लड़की एजाज नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी और तकरीबन महीने भर पहले उसने भागकर शादी की थी, लेकिन बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। 3 दिन पहले उसकी सिरकटी लाश झाड़ियों में मिली और जब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया तो पता ये चला कि शादी के बाद से ही उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, जिसे वो लड़की नहीं मान रही थी और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। सोनभद्र एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि चौपन इलाके में सिर कटी लाश मिलने के बाद पुलिस सिर की तलाश में जुटी थी। इस घटना के संबंध में चौपन थाने में धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया। कि शाम को थाना चौपन के पीत नगर पर एक महिला का सरकटा शव मिला था, जिसकी बाद में पहचान प्रिया सोनी पुत्री लक्ष्मी सोनी के रूप में हुई थी। आज उसी हत्या का खुलासा हुआ है। जानकारी ये प्राप्त हुई कि प्रिया सोनी ने बीती 7 जुलाई को एक लड़के एजाज अहमद के साथ में शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी और एजाज अहमद के साथ में उसके घर में रहने की प्रयास कर रही थी। तो एजाज अहमद और उसके परिवार के द्वारा उस पर दबाव डाला जा रहा था कि बिना धर्म परिवर्तन किए तुम्हें हमारे यहाँ बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लड़की बार बार उसको अपने घर ले जाने के लिए कहती थी। इसी क्रम में जब वो लड़के ने आज ही जा करके 19 सितंबर को जब लड़की को एक ओबरा में एक हॉस्टल में रखा था पहले से, 19 सितंबर को वहाँ से बुलाया और अपने एक मित्र शोएब अख्तर के साथ मिल करके धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी और हत्या करके सर धड़ से अलग करके उसको पीत नगर के जंगल में फेंक दिया था। कल डॉग स्क्वाड की मेहनत के साथ में वो जो शव का सर है वो भी बरामद हो गया है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग डीएनए की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, उनके पास से जो हत्या में प्रयुक्त चाकू था, जो संबल था वो बरामद हो गया है, जो मृतका का फोन था वो बरामद हो गया है। बता दें कि एजाज लगातार अपनी पत्नी प्रिया पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था, लेकिन प्रिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। इसी बात से खफा होकर एजाज ने खूनी साजिश रच डाली, जिसे बीते 17 सितंबर को अंजाम दिया गया। एजाज ने अपनी पत्नी प्रिया को ओबरा से चौपन बुलाया, फिर अपने एक दोस्त शोएब के साथ मिलकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सोनभद्र से बिदु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।